मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त सेतराम आपका स्वागत करता हूँ हिमाचल प्रदेश के तिरथन वैली से। तो फिलहाल मैं अभी शहरी तक आया था दोस्तों, तो आज यहाँ पे भूल होता है 11 बजे का, तो फिलहाल जगह ढूंढ रहे तो जगह मिली नहीं है, तो चलिए पहले जगह ढूंढ लेते तो उसके बाद आपसे बात करते हैं। थोड़ा यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि साथ में तिरथन वैली की जो प्रमुख नदी है वो बह रही है। तो आपको मैं बता दूँ कि जगह तो फिलहाल मिल गई है, तो मां तो हमने लगा दिया है, पर कुछ ही देर में यहाँ पे देवी माता का रथ भी आ जाएगा, तो वो इसके बाद यहाँ से नीचे जो आप बंद देख रहे, तो यहाँ पर अपना शाही स्नान करने के लिए आएंगे। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि यहाँ से गुस्याणी का बाजार स्टार्ट हो जाता है, तो ये रहा गुस्याणी का पुल। तो साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर गाढ़ा दुर्गा जी का मंदिर है। तो दोस्तों अभी मैं आपको गुस्याणी का बाजार दिखाऊँगा, तो जब तक देवली स्टार्ट नहीं होती है तब तक आपको मैं बाजार ही दिखाऊंगा। ठीक ठाक है, बढ़िया। तो दोस्तों ये रहा गुस्याणी मेन बाजार। तो दोस्तों कुछ मार्केटें यहाँ पे खुली हैं मनियारी वालों की, तो कुछ नदी की पल्ली साइड खुले हैं, तो फिलहाल हमारी दुकान वहाँ साइड में लगी हुई है, तो सभी लोगों ने तैयारी खूब की है मेले की। दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि कुछ देर पहले मौसम में एकदम साफ था, तो धूप लगी हुई थी मस्त वाली। अभी आपको मैं दिखा दूँ कि एकदम से बादल छा गए पूरे आसमान में और मौसम बिल्कुल से ख़राब हो चुका है, तो क्या पता बारिश भी हो सकती है। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने यहाँ पे दुकान खोली हुई है, तो अभी माता रानी का रथ पहुँचा नहीं, तो कुछ देर में भी रथ यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि बारिश स्टार्ट हो गई है, बट धूप भी लगी हुई है, तो बारिश साथ साथ में स्टार्ट होगी, तो आप देख सकते किस तरह से वो बारिश हो रही है। तो फाइनल दोस्तों मेला समाप्त हो चुका है, तो अभी फिलहाल हम गाड़ी में हैं, तो आपको मैं बता दूं कि हमें यहाँ से थोड़ी देर बाद गाड़ी मिल गई थी। तो चलिए दोस्तों अब ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं, और आप देख सकते हैं कि अंधेरा भी हो चुका है, तो चलिए हम मिलते हैं किसी और मेले में, तब तक के लिए बाय।